हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन के बारे में। यहाँ पे लिखा अपलोड ऑफ टेंटेटिव आंसर कीज, ये ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर डायरेक्टली करके आप डाउनलोड कर सकते हो। यह सिर्फ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो MTS को जो आंसर की है वो अपलोड होने के कब होने वाली थी, क्या हुई है कि नहीं हुई, कैसे लॉगिन करेंगे, क्या होगा, वो सभी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ लिया कमीशन हैड कंडक्टेड MTS एग्जामिनेशन 2/8/2019 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड। मतलब यहाँ पर जो MTS की एग्जामिनेशन थी वो 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में यहाँ पर एग्जामिनेशन हुआ था, जिसके अंदर बताया टेंटेटिव आंसर की जो है यहाँ पर अपलोड किया जाएगा इस वेबसाइट पर, जहाँ देख सकते हैं ssc.nic.in है। लेकिन यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट में लॉग इन यूज यूजर आई डी एज रोल नंबर एंड पासवर्ड एज एडमिशन सर्टिफिकेट एंड सबमिट रिप्रेजेंटेशन इफ एनी फ्रॉम 6/9/2019 to 11/9/2019 6 PM। मतलब कह रहा है कि आपको जो आंसर की है वो अपलोड कर दिया गया है आपको वेबसाइट पर, जाके वहाँ पर देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर क्लिक करके भी डायरेक्टली आप जा सकते हो। तो वहाँ पर रोल नंबर आपको यूज़र आईडी देना, आपको जो पासवर्ड है एडमिशन सर्टिफिकेट लिखा है, लेकिन आपको एक तरह से डेट ऑफ बर्थ ही यहाँ पर रहता है वो आपको डालना होता है। साथ में सबमिट करने पर अगर इसमें आपको कोई लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है, आपका सही है लेकिन क्वेश्चन गलती हो गया है, तो आपको रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। वहाँ पर 100 रुपये पर चैलेंज यहाँ पर लगेगा आपको, हर क्वेश्चन पर 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और ये 6 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में होने वाला, 6 बजे शाम तक ही होने वाला है। द कैंडिडेट में टेक अ प्रिंट ऑफ दियर प्रस्पेक्टिव रिस्पॉन्स शीट एज द सेम विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द अबव स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। मतलब यहाँ कह रहा है कि आपको यहाँ पे एक प्रिंट आउट रख लेना है, अगर वहाँ पर अगर आपने चैलेंज किया और उस चैलेंज करने के बाद आपको वहाँ चेंज नहीं किया गया तो आप वहाँ प्रूफ दे सकते हो कि मैंने चैलेंज किया था, ये प्रूफ मैंने बताया था, तो वो भी आप यहाँ पे प्रिंट आउट अपना रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा वहाँ पे आना, इस लिंक पे डायरेक्टली पहुँचेगा। यहाँ पे आपको एंटर यहाँ लिख रहा है यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी का मतलब यहाँ पे लिख रहा है कि आपका रोल नंबर और पासवर्ड क्या, तो अपने एडमिट कार्ड पर आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ ही एक तरह से आपका पासवर्ड रहता है, तो वहाँ पर जो रोल नंबर वो डालना है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगा। फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका जो आंसर की है वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 से 4 ऑप्शन रहेंगे, क्वेश्चन का जो समरी रहेगा क्वेश्चन रहेंगे, साथ में यहाँ रहेगा रिस्पॉन्स सीट होगा कुछ वैसा ऑप्शन आएगा, और एक में रहेगा कि आपको क्या आपको रिप्रेजेंटेशन देना है। तो अगर आपको जो भी क्वेश्चन पूरा 100 से 1 से लेकर जो भी 100 क्वेश्चन था तो आप सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा सही से कि इसमें अगर कुछ गलती है तो आपको 100 रुपये कटाने के साथ साथ आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा और उसको प्रिंट आउट रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, रोल नंबर अपना डालकर और अपना रिजल्ट देख सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।